Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें। डायबिटीज से आप क्या समझते हैं? कुछ ऐसा जो शुगर से संबंधित है? क्या मैंने सही कहा? ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि प्रत्येक 6 सेकंड में कोई ना कोई डायबिटीज के कारण मरता है। दुनिया भर में प्रत्येक 11 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है और प्रत्येक 2 में से एक व्यक्ति की डायबिटीज को डायग्नोज नहीं किया जाता। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज वो कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए बॉडी इसे प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती। जब पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता या बहुत कम प्रोड्यूस करता है तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलिन की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग भी इसके लिए जिम्मेदार है। इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को सेपरेट करके इसे बॉडी सेल्स में सर्कुलेट करते हैं। आइए इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक करके इसे डाइजेस्ट करती है। आपके लिवर में भी ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन पैनक्रियास करता है। इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज बॉडी सेल्स में प्रवेश करता है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है जो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के साथ साथ रूटीन लाइफ में इस्तेमाल की जाती है। आपको डायबिटीज होने पे आपकी बॉडी ग्लूकोज का प्रॉपर यूज नहीं कर पाती, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। डायबिटीज जनरली 2 प्रकार की होती है। टाइप 1 में इंसुलिन का प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो जाता है और टाइप 2 में इंसुलिन का इनसफिशियंट प्रोडक्शन होता है या फिर जो होता है वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। टाइप 1 डायबिटीज के लिए ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स जिम्मेदार है। इसमें बॉडी इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को नष्ट कर देती है। डाइट या लाइफस्टाइल चेंज करके भी आप इसे क्योर नहीं कर सकते। प्रेजेंट टाइम में इंसुलिन इंजेक्शन या पंप्स के अलावा इसका कोई उपचार नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स इस तरह है। पहला, बार बार पेशाब आना। दूसरा, थकान और वजन कम होना। इंसुलिन के बिना ग्लूकोज सेल्स में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए सेल्स एनर्जी का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बॉडी ग्लूकोज के बजाय फैट्स को ब्रेक करना शुरू कर देती हैं, जो हमें वेट लॉस के रूप में देखने को मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज किसी भी एज में हो सकती है। यह अक्सर 40 साल की उम्र से पहले पहले हो जाती है। चाइल्डहुड डायबिटीज के लिए ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज जिम्मेदार है। टाइप 2 डायबिटीज लोगों को अक्सर 40 साल की उम्र के बाद होती है, लेकिन आजकल ये बच्चों और युवाओं में भी बहुत कॉमन है। 85 से 95% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलती है। टाइप 1 डायबिटीज का डेवलपमेंट जितना तेज और ड्रामेटिक है, टाइप 2 डायबिटीज का डेवलपमेंट उतना ही स्लो है, इसीलिए इसे डिटेक्ट करना कठिन है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए कई की फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। इसमें फैमिली की डायबिटीज हिस्ट्री, ओवरवेट, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, एज, ब्लड प्रेशर और एथनिसिटी, इसका खतरा साउथ एशियंस को ज्यादा होता है जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। इन रिस्क फैक्टर्स को जानकर आप कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल बदल के टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से आसानी से बच सकते हैं। 40 मिनट्स की रेगुलर थेरेपी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को 40% तक कम कर सकती है। तो अब आप टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बीच के डिफरेंस को समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अब इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नुगा बेस्ट जयपुर में आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे।